तो ये शर्ट आपको केवल 419 रुपए में मिलने वाला। लेंथ इतना बड़ा है कि आप इसको टक इन भी आराम से कर सकते हैं। तो चेस्ट अपने को 42 मिल जा रहा है। मटेरियल तो छोड़ा है, वो एक दिन में ही गंदा हो जाता है। 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो आप में ना कितने सारे व्यूअर ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट है, या कुछ पेरेंट्स भी होंगे जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, मतलब थोड़े बड़े बच्चे आपके 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पे ना एक व्हाइट शर्ट की काफी जरूरत होती है। या जो ऑफिस एम्प्लॉई है ना, वो अपने को व्हाइट शर्ट में काफ़ी रखना पसंद करते हैं, और समर में ना व्हाइट शर्ट कंफर्टेबिलिटी भी अच्छा देती है। तो देखो, व्हाइट शर्ट के वीडियो हमने काफ़ी बनाए हुए हैं, और फॉर्मल व्हाइट शर्ट भी आपको अनबॉक्स करके दिखाया है, और जो कैजुअल व्हाइट शर्ट है पिछले सीजन में हमने अनबॉक्स करके दिखाया है। इस सीजन में कुछ अफोर्डेबल मैं ऐसा व्हाइट शर्ट लेके आया। मान लो आपको कॉलेज जाना है तो आपको व्हाइट शर्ट चाहिए, तो व्हाइट शर्ट क्या होता है ना कि एक पीस रखने से वो हो नहीं पाता है, वो एक दिन में ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए अपने पास 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए। तो आप चाहते हो कि एक बढ़िया प्रीमियम शर्ट रख लो और बाकी कुछ बजट वाले रख लो, तो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाइट कैजुअल शर्ट, जो आराम से कॉलेज पहन के आप जा सकते हैं। समर में भी कंफर्ट आपको अच्छा देगा, मटेरियल और सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे, और कौन सा आपको फिट आएगा वो भी बता के जाएंगे, और प्राइस भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से सब कुछ बात करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ऐसे वीडियोज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को दिखा देते हैं और मटेरियल को अच्छे से देखेंगे। तो भाई केज का ये पैकेट है, बट मैं एक जेन्युइन बात बताऊँ ना, मैं टोटली ब्लैंक हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, और मैंने देखने कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि मैं आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो फील कराना चाहता हूँ कि कोई बंदा प्रोडक्ट ख़रीदता है, 2-4 एक साथ ख़रीदता है, तो उनकी शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको करता हूँ ओपन और डिटेल से आपको दिखाता हूँ। इसके साइज चार्ट की मेजरमेंट और भी लेंगे, और कौन सा आपको फिट आएगा वो भी मैं बता के जाऊँगा। थोड़ा सा मेरा डिफोकस वाला कैमरा। अच्छा चलो, अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। एक वाइट शर्ट होने वाला है हाईलैंडर की तरफ से। वाइट शर्ट की हमेशा बड़ी डिमांड रहती है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और बजट में वाइट शर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, और अच्छी क्वालिटी का भी शर्ट मिल जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये आप देख सकते हैं, वाह, पहले अगर पहले टच में पहले फील में बात करें ना, तो मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, शाइनी फिनिश में आ जाता है। अब देखते हैं मटेरियल की कंपोजिशन में क्या क्या है। आप अगर आप शर्ट देखना चाहते हैं तो देख लो शर्ट, यहाँ पे जो टिपिकल अपने जो कैजुअल शर्ट होता है उसी तरह का डिज़ाइन है। इधर से अपना का राउंड मिल जाता है अपने को, उसके बाद यहाँ पे पट्टी मिल जाती है चौड़ी वाली, और हाईलैंडर का ये टैग है। 1399 की प्राइस है। कितना प्राइस आपको पे करना है मैं बात करूँगा अभी डिटेल से आगे। और यहाँ पे आप देख लो, मटेरियल तो थोड़ा स्मूथ है, और थोड़ा कंपोजिशन की बात करें ना, तो कंपोजिशन इसमें अपने को कॉटन और बिट हल्का सा पॉलिएस्टर है, जो एकदम हल्की है लेकिन प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी है। देखते हैं मैं इसकी कंपोजिशन में। देखो यहाँ पे पॉलिएस्टर और कॉटन मिलकर बना हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉटन और पॉलिएस्टर है, लेकिन जो पॉलिएस्टर है ना उसकी प्रोसेसिंग काफ़ी सही हुई है, जिसके कारण ये फील काफ़ी बढ़िया दे रहा है। ठीक है, और स्मूथनेस भी अपने को अच्छा मिल रहा है। नीचे थोड़ा सा टेक्स्चरस फील हो रहा है, और ऊपर शाइनी फिनिश में मिल जाता है देखने को। आप फिनिशिंग अच्छे से देखिए, शाइनी फिनिश में मिल जाता है तो थोड़ा सा ही आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर आप एज ए इसको फॉर्मल या सेमी फॉर्मल स्मार्ट कैजुअल आउटफिट बनाना चाहोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कॉलर में आप देख सकते हैं, कॉलर भी हल्की पतली है, और ये पे अपना कफ देखो, ये कफ जो है वो पतली मटेरियल से ही मिलकर बनाया गया, मोटे मटेरियल से मिलकर नहीं बनाया गया है। तो सस्टेन ये उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना हमारे महंगे कपड़े करते हैं। ये अफोर्डेबल प्राइस का अपना सेट होने वाला है, तो अफोर्डेबिलिटी को सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पीछे की तरफ से देख लो, कोई डिजाइन एंड ऑल नहीं है। एक डिज़ाइन यहाँ पर रहता है वो भी नहीं है, एक स्टिचिंग इधर से रहती है, दो वो भी इसमें नहीं है। सिंपल बनाया गया है, जितना कॉस्ट कटिंग किया गया है जितना हो सके उतना किया गया है। अब आएंगे ना इसके लेंगे साइज चार्ट की मेजरमेंट। देखो भाई, मटेरियल वाइज तो ये ठीक है, समर में काफ़ी कंफर्टेबिलिटी देगा अपने को, आराम से पहना जा सकते हैं। बाकी मैं पहन वहन के इसकी फील वोल है वो भी अब मैं आपको बताऊँगा। अब ले लेते हैं इसकी चेस्ट की मेजरमेंट। ये पार्ट आप ध्यान से देखना कि इसको हमने ना एम साइज में मंगाया है, तो चेस्ट अपने को 42 मिल जा रहा है, तो शोल्डर अपने को मिल जा रहा है 17 and 1.2, मतलब 17 इंचज आप पकड़ लो, मोटा मोटी 17 इंचज का शोल्डर है। ठीक है, मेरे में 17 आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ अपने को अप्रोक्स मिल रहा है 29, जो एक कैजुअल शर्ट के हिसाब से मेरे में सही आएगा, 29 लेंथ आ जाता है मेरे में।
लेंथ 29 है। उसके बाद कॉलर की एक भाई ने बोला था कि भाई जब भी आप शर्ट लो ना तो थोड़ा कॉलर की मेजरमेंट लो, तो मैं कॉलर वाली भी मेजरमेंट ले लेता हूँ। कॉलर जो इसकी आ रही है ना, अगर मैं राउंड करके लेता हूँ तो 15.5 इंचेस की आ रही है, मतलब 15.5 आ रहा है कॉलर में। और स्लिप्स की लेंथ अगर आप देख लो तो स्लिप्स लेंथ अगर बीच बीच से मैं मापूँ तो 22.5 आ रहा है, जो 22 तक होना चाहिए स्लिप्स लेंथ अगर हम लोगों की बॉडी टोर्सो के हिसाब से मानो तो। चलिए इस वीडियो में अभी चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल से आपको बताते हैं। मटेरियल को आप पास से देखो, मटेरियल ठीक है, प्राइस के हिसाब से वर्थनेस इसकी हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। तो गाइज आई होप आपने देख लिया उस वाले पार्ट को, अब आ जाएंगे ना सीधे इसके प्राइस के ऊपर। तो गाइज आप प्राइस जान के अमेज हो जाओगे, बेस्ट कपड़े अफोर्डेबल प्राइस पे दिलाना मेरा काम है, मेरा मोटो है। तो ये शर्ट आपको केवल 419 रुपए में मिलने वाला, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने मटेरियल को बाद से देखा ही आप यहाँ पे कन्विंस हो गए होंगे, ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बस अपने लिए बेस्ट फिटिंग ले लेना है। तो अगर फिट की बात करें तो शोल्डर पे मेरा कट टू कट फिट है, स्लिप्स लेंथ इसकी परफेक्ट है, कॉलर भी जो है ना कॉलर भी है तो थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा सा लूज होगा, कंफर्टेबल होगा, लेंथ अच्छा है, लेंथ इतना बड़ा है कि आप इसको टक इन भी आराम से कर सकते हैं, रिलैक्स है, चेस्ट के ऊपर स्पेसियस भी है, थोड़ा सा स्लिपरी है, स्किन के ऊपर फील है। तो उसके लिए आपको क्या करना हो कि वेस्ट एनॉल के ऊपर आप लेयरिंग करिए तो थोड़ा सा स्लिपरीनेस जो इसका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्लिपरीनेस जो है ना ड्यू टू मटेरियल का जो कंपोजिशन है उससे आ रहा है। तो इतने प्राइस में वर्थनेस यही डिफाइन कर सकता है मटेरियल, बाकी आप प्रीमियमनेस की तरफ जाओगे तो मटेरियल आपको और अच्छा मिल जाएगा, प्योर कॉटन मिल जाएगा, लेकिन उसको आपको केयर करने की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसमें उतना केयर करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार पहन के भी आयरन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको रेगुलर आप कॉलेज जा सकते हैं या रेगुलर पहन के ऑफिस भी जा सकते हैं। 2 दिन पहनिए और 1 दिन बीच में गैप करके दूसरा कोई व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, और इसको फिर आप धो के इसको सुखा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर सुखाने की बात आ गई है ना तो गाइस ये ना पॉलीकॉट है तो ये इजिली जो है ना ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि उनका नेचर होता है उस मटेरियल का इजिली ड्राई हो जाता है, तो उसमें भी आपको ये दिक्कत नहीं देने वाला है। और आयन भी इसको आराम से आप लो हीट पे करके इसको फटाक से रेडी कर सकते हैं। तो जिनको कॉलेज के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, थोड़ा अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहिए, बेस्ट फिट में चाहिए, तो आप इसका एम साइज उठा लीजिए। अगर आपका बॉडी टोर्सो मेरे जैसा है, मतलब कि आपका हाइट 5.8 इंच का है, चेस्ट 32 है, वेट 80 केजी के आसपास है, तो आपको एम परफेक्ट आएगा, आराम से एम उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्किनी है या चबी है तो जो अदर साइजेस है वो आप ले सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना वजन और हाइट जो भी है बता दीजिए, मैं आपके लिए परफेक्ट जो साइज है वो रिकमेंड कर दूंगा। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वर्ल्ड शर्ट के बारे में। अगर आपको लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं ले रहा है तो कुछ और आप देखना चाहते हैं तो हमारे जाके चैनल पर विधिवत विजिट करिए, वहाँ पे काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया था अभी तक, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, 2-4 दोस्तों को या दोस्तों से जब भी मिले अपने चैनल के बारे में जरूर बताएं, मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, ज्यादा लोगों का हेल्प कर पाऊँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू वॉच एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स।